एक सेठ चाय का प्याली में डूब गया, हमको पोस्टमार्टम पे ले लिया गया है। कलकत्ता हबड़ा ब्रिज 3 दिन तक लापता। खबरों में बताया जाता है कि एक रिक्शा वाला हबड़ा ब्रिज को लेकर भाग रहा था। जकरिया स्ट्रीट चीतपुर के बीच उन रिक्शा वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कलकत्ता से आने वाले कंचनजंगा मेल, कलकत्ता से आने वाले कंचनजंगा मेल फरक्का के आसपास मच्छर से जबरदस्त टकराव। मच्छर से टकराने के कारण अंजन 3 बोगी को लेकर लापता। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अंजन कलाई के भी में घुस गए थे। छानबीन जारी है, पता लगते ही अगले समाचारों में बता दिया जाएगा। मच्छर को कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि मच्छर के सर पे चोट लगने के कारण आंख से दिखाई कम देता है। सामना सामना टक्कर हुआ कि बनी मच्छर का सब मुर्दा रूठे। नेपाल में लड़कियों का तादाद ज्यादा होने के कारण उनकी माँ बाप बुढ़े के साथ शादी करा रहे हैं। लड़कियों का कहना है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन बुढ़े के साथ शादी नहीं करेंगे। पूर्णिया जिला में एक लड़का कद 5 फुट 3 इंच रंग शौला आज से 6 माह पहले से लापता। उनका माँ बाप का कहना है कि जो भी उस लड़के का पता बता देगा उनको 1 रुपया 20 पैसा का इनाम दिया जाएगा। पटना सिटी का सेठ का एक चारपाई को लेकर खटमल फड़ा। सेठ ने पुलिस चौकी पर रिपोर्ट लिखवाया। पुलिस का कहना है कि तुम फिक्र न कर, जितना जल्द होगा उस खटमल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बंगाल में नसबंदी चालू, एक एक गोली निकाल दिए जाते हैं, दूसरा गोली साथ सिलेंडर गायब। बंगाल में नसबंदी चालू होता है, अभी मत जाना। बंगाल के तरफ अभी रिश्तेदारी भी हो तो मत जाना। देखो लिखा है इस पर, हम कोई बना के नहीं पढ़ते। बंगाल में नसबंदी चालू, एक एक गोली निकाल दिए जाते हैं, दूसरा गोली साथ सिलेंडर गायब। कलकत्ता दिल्ली सराफा बाजार, चांदी की भाव इस प्रकार 2 रुपए 15 पैसे क्विंटल, चाय पत्ती 3 रुपए 55 पैसे टन, डॉक्टरी दवा 110 रुपया पसरी, सोना 8 रुपया कट्ठा।